हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज देखें एकदम सिंपल सीधी पट्टी, तीन सीधी पट्टी मैंने ली है, उसकी हेल्प से ये देखें ये इस तरह की पट्टी रेडी की है। इसे अभी हम कानों को पहनाएंगे, इसी में हमारी चोली भी है, नेपी भी है, सब कुछ है। और ये है मेजरमेंट चार्ट, किसी भी साइज में आप इसे बना के पहना सकते हैं। अब देख के ये बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अरे इसे कैसे पहनाना है, तो इसे पहनाना बहुत ईजी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने अस्तर के फैब्रिक से बनाया है इसे। सबसे पहले ये जो हमने सेंटर में सिलाई लगाई, इसीलिए मैंने दो तीन कलर का यूज़ किया जिससे आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये देखिए ऐसे पेट पे सेंटर में रखना है, फिर ये हिस्सा ये काना के पैर के नीचे से इस तरह से आएगा और ऐसे आके ये दूसरी साइड जाएगा, ये यहाँ पे। अब फिर देखें इधर वाला जो है ये इस पैर के नीचे से इस तरह से आएगा ऐसे करके, और ये दूसरी साइड जाएगा इधर। बस आप काना जी को बैठा दीजिए और ये जो डोरी है वो हम एक्सचेंज कर देंगे पीछे ले जाके, और फ्रंट पे ले आके हमें इसे बांध लेना है। बहुत अच्छी फिटिंग आती है, आप इसे किसी भी साइज के काना को पहना सकते हैं बना के। मैंने मेजरमेंट चार्ट आपके साथ शेयर किया है, बहुत आसान है, सिंपल। हमें तीन सीधी पट्टियाँ चाहिए और उसी की हेल्प से हमारा ये रेडी हो जाता है। यहाँ पे हम इसे हल्का सा सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि गर्मियों के लिए ये कितना कंफर्टेबल है, पीछे से भी बहुत सुंदर लग रहा है। आप आगे से ये डोरी थोड़ी सी कट कर सकते हैं ये वाली, तो चलिए मैं कट कर देती हूँ क्योंकि इतनी लंबी डोरी की हमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम लंबा रखते हैं जिससे जिसको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे वो बांध के पहना सके। तो आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने बनाया है। अभी मैंने इसे 6 नंबर काना को पहनाया हुआ है। ये रहा छोटा सा मेजरमेंट चार्ट, तो आप इसे किसी भी साइज में बनाया और पहनाया। चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। अब देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है। अगर मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊँ तो आप देखें ये हमारा 9 इंच इसकी लंबाई है, और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 4.5 इंच रखी है। 6 नंबर के काना के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम मेज़रमेंट का मैंने एक ग्रीन पीस और सेम मेज़रमेंट का मैंने एक पिंक कलर का पीस लिया हुआ है। अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई सभी साइज में बता देती हूँ। बहुत छोटा सा मेज़रमेंट चार्ट है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से बना सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ये तीनों कलर यूज़ करें, आप किसी एक कलर के फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है जो ब्लाउज या सूट वगैरह में लगाने के लिए आता है, बहुत सस्ता मिल जाता है और इजी होता है। अगर आप बिगनर हैं तो सीखने के लिए ये फैब्रिक ज़रूर यूज करें, और इस टाइम तो इतनी गर्मी है तो काना के लिए बहुत कम्फर्टेबल भी होने वाला है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। देखिए 6 नंबर के काना के लिए मैंने 9 इंच की इसकी लंबाई रखी है। सबसे पहले आप लंबाई देखें सभी साइज में। 0 साइज में आपको 4.5 इंच चाहिए, 1 नंबर में 5 इंच, 2 नंबर में 5.5 इंच, 3 नंबर में 6.5 इंच, 4 नंबर में 7.5 इंच, 5 नंबर में 8 इंच, 6 नंबर में 9 इंच, 7 नंबर में 10 इंच, 8 नंबर में 11 इंच, 9 नंबर में 13 इंच और 10 नंबर में हमें 15 इंच चाहिए। और जो चौड़ाई है 0 साइज में 2.5 इंच, 1 नंबर में 3 इंच, 2 नंबर में 3.5 इंच, 3 और 4 नंबर में हमें 4.5 इंच, 5 और 6 नंबर में 4.5 इंच, 7 नंबर में 5 इंच, 8 नंबर में 5.5 इंच, 9 नंबर में 6 इंच और 10 नंबर में हमें 7 इंच रखना है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेजरमेंट चार्ट का, और एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब चलिए आपको इसे सिलना बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपने 3 पीसेस को अलग कर लिया। अब इसमें से 2 पीस हमें सिलना है, कोई भी 2 कलर आप ले सकते हैं। अब देखिए इसे साइड से मोड़ के सिलने के पहले हमें इसे ऊपर से मोड़ लेना है जिससे ऊपर की साइड से फिनिशिंग रहे। तो सभी साइज में आपको इस तरह से 1/2 इंच पहले ऊपर से मोड़ना है। यहाँ पे मोड़ने के बाद ऐसे आप नाखून लगाइए, उसके बाद आप इसे साइड से मोड़िए, ये इस तरह से। ये देखें ये हमने यहाँ से मोड़ा, उतना ही हमने यहाँ से मोड़ना है, और अब हम पलट के एक दूसरे के ऊपर रख के इसे हम सिल लेंगे। चलिए सिलती हूँ, फिर आके आपको बताऊँगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारे ये दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका ये जो फोल्डेड वाला हिस्सा है हम इसे इधर से मोड़ेंगे और इधर से मोड़ेंगे, और इस पर हमें प्रेस लगा लेना है। प्रेस लगा लेंगे तो यहीं पे सेट हो जाएगा, उसके बाद हम यहीं पे डोरी रख के सिल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। सेम ऐसे इस पर भी करना है। अभी मैं आपको डोरी भी बनाना बताती हूँ। उसके पहले हमें क्या करना है, ये पिंक वाले के ऊपर देखिए इस तरह से ग्रीन वाले को रखेंगे और हम सेंटर से सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर हमें इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है, तो चलिए करती हूँ।
अब देखिए ये पीस तो हमारा जो है स्टिच हो गया, अब इसमें प्लस लगा दूंगी। अभी इसे साइड करती हूँ, हम डोरी बना लेते हैं। तो डोरी के लिए अपना येलो वाला पीस लेंगे, ये देखिए तीसरा वाला पीस आपको लेना है और इसे सेंटर से कट कर लेना है। सभी साइज में आपको इसी तरह से करना है। ये हमने कट कर दिया। अब कट करने के बाद हम दो डोरी बना लेंगे। ये देखिए इधर से मोड़िए, इधर से मोड़िए, फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के सिल दीजिए। तो चलिए सिलती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए इसे मैंने प्रेस करके रेडी कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमने ये जो अपना पीस सिला है इसे सिंपल यहाँ पे रख के हम सुई धागे कह रही हूँ मशीन से ही सिल देंगे। और ये बटन मैं इस पर लगाऊंगी, तो ये आप सुई धागे की हेल्प से लगा सकते हैं या फिर इस बटन को आप इस पर चिपका भी सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे सिल रही हूँ, मैं बटन को चिपका लूँगी। आप सिल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने कान्हा को पहना दी है, आप देखिए बहुत सुंदर लग रही है। बैक साइड से भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से भी देखिए पूरी कवर है और काफ़ी सुंदर है। तो एकदम सिंपल और आसान तरीके से एकदम डिफरेंट स्टाइल की ड्रेस बनाएं अपने कान्हा के लिए और पहनाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मैं आपको मिलूंगी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण राधे राधे।